अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है ना, मैं शावर लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, आज जो है ना मायों का इवेंट है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं। कल भी जो है ना, मैं सुस्त इतनी हो गई कि मैंने जो है ना कोई काम भी नहीं किया। तो पहले हम चलेंगे, कपड़े प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है ना हम पार्लर जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो आप लोगों ने जो है ना साथ साथ रहना। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने बेसन लिया। मैंने सोचा जो अपना थोबड़ा है ना, वो अच्छे से साफ कर लूँ। इसके लिए जो है ना मैंने बेसन लिया। ठीक है, इसमें हल्दी डाली है। ठीक है, असल में ना जो है ना, मेरे पास छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर जो है ना, मतलब किसी भी बॉक्स डब्बे में जो है ना आप ये बना के रख दें। ठीक है, और जो है ना रूटीन में आप जो है ना ये बेसन यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है ना अच्छे सा मसाज करें और आपका जो है ना फेस बहुत अच्छा हो जाता है। असल में जो है ना मेरा बेसन ख़त्म हो गया था, तो फिर दोबारा से जो है ना मैंने बेसन लिया ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि रूटीन में जो है फेस वॉश करना होता है इसी से, तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा बना के रख देती हूँ। बेसन मैंने लिया और हल्दी, जैसे आपने देखा हल्दी, उसमें मैंने मिक्स करके ना ये एक डब्बे में डाल के रख दिया। ठीक है, अभी ये वॉशरूम में ही रख दूँगी जब मैं सुबह उठती हूँ। तो इससे जो है ना मैं 1 मिनट मसाज करती हूँ फेस की, और उसके बाद जो है ना इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। इससे जो है ना आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है और जो है आपका कलर भी फेयर होता है, काफ़ी फ़र्क आता है। और ये मेरे पास फेस वॉश है, अभी फ़िलहाल मैं डर्मा का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है ना माउथ वॉश है, इससे जो है ना मेरा गला भी जब ख़राब होता है ना, तो मैं गरारे भी करती हूँ। ठीक है, तो इससे जो है ना गला बेहतर हो जाता है। तो ये कुछ जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये मैं अपने पास जो है ना वॉशरूम में रख देती हूँ। यूँ बेसन सामने रखा होता है ना, तो फिर आप ये है कि आप जो है ना यूज़ कर लेते हैं फेस पे। अगर अलग से बनाना होता है ना, फिर सुस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना फिर रह ही जाता है। तो स्किन केयर जो है ना इस तरह से आपको ईजी हो जाता है, अगर आपके सामने जो है ना बॉक्स पड़ा हो और उसमें बनाओ, सिर्फ आपने पानी उसके अंदर डालना है और उससे अच्छे से मसाज कर लेना। खैर, यहाँ पर जो है ना मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही थी, आज जो है ना मायों का इवेंट है, तो यहाँ पे जो है ना मैं वाइट कलर का ड्रेस पहन रही थी। और इसके साथ जो दुपट्टा है ना, वो मुझे करनी है मैचिंग। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा दुपट्टा वेयर करूँ, हालांकि मैंने 14 अगस्त वाले दिन भी यही पहना था, उसके साथ मैंने ग्रीन दुपट्टा लिया था। तो फिर मैंने जो है ना सोचा यार मायों पे ना, जो ज़रूरी नहीं है कि पीला ही ड्रेस हो तो पहनो, येलो कलर हो तो ही पहनो, आप कोई भी जो है ना आजकल जो है ना फैशन सब चलता है। ठीक है, कुछ भी पहन सकते हो। तो मैंने सोचा है वाइट सूट पहन लेती हूँ, उसके साथ मैचिंग करती हूँ दुपट्टा। तो मेरे पास ये दो दूसरे दुपट्टे पड़े हुए थे, ब्लू कलर में भी और ये मल्टी कलर में भी। तो मैंने सोचा है इसके साथ जो है ना ये वेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना मैं बावलपुर से लेकर आई थी, और मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था। ठीक है, वहाँ के जो है ना बहुत फेमस है ये दुपट्टे, तो वो जो है ना अभी मैं वेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली थी, और ये कलर मुझे इतना पसंद है, फेवरेट है, मतलब नेल्स पे लगाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, ठीक है, बावलपुर में जहाँ से, जिस मार्केट से मैंने जो है ये दुपट्टा लिया था, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग वो जाके ज़रूर विज़िट करें, वीडियो देखें। ठीक है, और ख़ासकर जो है अगर कोई भी बावलपुर जाता है तो उनके लिए अच्छा है कि उसमें जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी मार्केट से जो है मैंने ये दुपट्टा लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं गई थी पार्लर, और अम्मी के साथ गई थी। अम्मी ने भी बनवाने थे मुझे भी, भाभी ने, तो हम लोग जो है ना पार्लर से जो है आईब्रोज बनवा के, फिर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, रेडी होने लगी हूँ ना, फिर मुझे आवाज़ आई है आइसक्रीम की। तो फिर मैं फटाफट इतनी ज़ोर से भाग के गई, मैंने कैसा ना हो आइसक्रीम वाला चला जाए। तो आजकल जो है ना मैं ये वाली आइसक्रीम खा रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि इसने जो है जिस दिन इवेंट पे जाना उसी दिन आईब्रोज भी बनाने जा रही है। तो असल में ये हुआ था, एक दिन पहले मैं गई थी, लेकिन मैं लेट गई थी, जिसकी वजह से जो है ना पार्लर बंद हो चुका था। 11:30 बजे का कुछ टाइम था या 12 बजे का, तो जिसकी वजह से ना आईब्रोज नहीं बनवा सकी थी। फिर इसलिए जो है ना मुझे दोपहर में जाना पड़ा। खैर, यहाँ पे जो है ना मैंने मेकअप कर लिया था, और यहाँ पे मैंने अपने लिए इयररिंग्स निकाली हैं और चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, इसे जो है ना मैंने मिक्स करके चूड़ियाँ पहन ली हैं, ताकि जो है ना दुपट्टे के साथ भी मैच हो जाए और थोड़ा सा मायों वाला भी लुक आ जाए। हालांकि इतना लुक नहीं आ रहा मायों वाला, लेकिन खैर है, चलता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने मज़ीद कमेंट में बताना है कैसा लग रहा है मेरा जो है ना ड्रेस, और जो मैंने मैचिंग किया दुपट्टा, ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो ये जो है ना फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब जो है ना हम लोग निकलने लगे हैं। आज जो है ना हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई ने एक काम से जाना है, उन्होंने जो है ना हमें बीच रास्ते में छोड़ देना है,
ठीक है, तो इसलिए जो है ना हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ना ट्रैफिक भी होती है, फिर हम लोगों ने जाना भी रश्के में था, तो यहाँ से जो है ना भाई ने बीच रास्ते छोड़ दिया था, फिर वहाँ से हमने जो है ना रश्का करवाया और फिर अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं इवेंट पे। तो ये आज का जो है ना मेरा व्लॉग था, तो व्लॉग यहीं तक है और यहीं तक मैं ख़त्म करूँगी। असल में आगे मेरे साथ ये सीन हुआ था, जब मैं इवेंट पे पहुंची हूँ बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है और मेरे मोबाइल जो है ना ऑफ हो गया, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो बस जितना जो मुझसे व्लॉग बना है वही मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दिया। तो व्लॉग को करते एंड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।